दोस्तों साल 2016 में आई ऐ दिल है मुश्किल के बाद करण जौहर करीब 5 साल बाद अपनी अपकमिंग पीरियड फिल्म तक के जरिए एक बार फिर से डायरेक्शन की कमान संभालने का फैसला लिया था। लेकिन अब करण जौहर के ड्रीम प्रोजेक्ट को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आई है, जिसे सुनकर करण के फैंस को झटका लग सकता है। कहा जा रहा है कि तक एक कॉन्ट्रोवर्सियल मुगल इतिहास पर बेस्ड फिल्म थी। इस फिल्म का बजट बहुत ही तगड़ा था। ये एक दमदार और महंगी हिस्टोरिकल कॉस्ट्यूम ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म का निर्माण करण जौहर और फॉक्सटा स्टूडियोज एक साथ मिलकर कर रहे थे, लेकिन कुछ वजहों से फॉक्सटा स्टूडियोज ने फिल्म तक से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। शायद एक वजह यह भी हो सकती है कि फाइनेंशियल नुकसान होते देख करण जौहर ने तक को फिलहाल न बनाने का फैसला लिया हो। वहीं कयास ऐसे भी है कि उनकी महंगी फिल्में ब्रह्मास्त्र और लाइगर जो प्रोडक्शन की स्टेज में है अपनी रिलीज का इंतजार कर रही हैं, और ये दोनों ही नहीं अन्य फिल्में जैसे दोस्ताना 2, जुग जुग जियो और शकुन बत्रा की अपकमिंग फिल्म अपने आखिरी पड़ाव पर है। ऐसे में तख्त को शुरू करना सही नहीं होगा। दोस्तों देखा जाए तो अभी हाल ही में फिल्म के राइटर हुसैन हैदरी ने हिंदुओं पर एक आपत्तिजनक बयान दिया। इसके बाद से सोशल मीडिया पर फिल्म को लेकर बायकॉट तक ट्रेंड करने लगा था और फैंस ने फिल्म के आने से पहले ही जमकर करण को खरी खोटी सुनाई थी। कल दोस्तों हम सभी जानते हैं कि करण जौहर ने इस फिल्म के लिए बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारों को चुना था, जिसमें रणवीर सिंह, विकी कौशल, अनिल कपूर, करीना कपूर का, जानवी कपूर, भूमि पेडनेकर और आलिया भट्ट अहम किरदार में नजर आने वाले थे। इस फिल्म का मोशन पोस्टर बहुत पहले ही रिलीज हो चुका था। फिल्म की कहानी मुगल शासक और औरंगजेब और उसके भाई दारा शिकोह की थी। फिल्म में रणवीर सिंह दारा शिकोह और विकी कौशल औरंगजेब के एक रोल में नजर आने वाले थे, लेकिन फाइनली खबर है कि ये फिल्म अब डिब्बा बंद हो चुकी है, ठंडे बस्ते में जा चुकी है। और करण जौहर ने कहा कि ये फिल्म इसलिए ठंडे बस्ते में जा रही है क्योंकि कोविड की वजह से उन्हें काफी लॉस हुआ है। वेल, अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन इससे फैंस अपसेट जरूर है। क्या आपको भी इस फिल्म का इंतजार बेसब्री से था? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी अपनी राय शेयर करें। थैंक यू सो मच। देखते रहें बॉलीग्राड स्टूडियोज़।